अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, सब कैसे? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। आज की वीडियो है होममेड टिंट के ऊपर, जो कि मैंने अप्लाई भी किया हुआ है अपनी गर्ल्स पे। ठीक है जी, हम लोगों ने इस वीडियो में कोई फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जिस टिंट में होती है ना, वो 4 से 5 दिन बाद बुझ जाती है। उसके बाद या तो उसका अच्छा मुझे रिजल्ट नहीं मिलता। मैंने बेशुमार तरीके से टिंट बना के देखी है, मुझे सेटिस्फेक्शन लेवल मिलती ही नहीं थी। मैं लगाती थी और मैं कहती दफा करो यार, अच्छा नहीं बना। लेकिन ये वाला जो टिंट है ना, ठप्पा जबरदस्त। अच्छा जी, अब हम लोगों ने किसी मूली तक किसी गाजर का इस्तेमाल नहीं करना। अब हम जो इंग्रेडिएंट्स की तरफ चलते हैं, मैं गारंटी देती हूँ कि आप लोग के टिंट बहुत अच्छा रहेगा। जैसे कि मैं इस बात की गारंटी देती हूँ कि आप लोग की 4 उंगलियां आप लोग के मोबाइल के पीछे हैं। देखा, चले जी अब इंग्रेडिएंट्स की तरफ चलते हैं। हाँ जी, ये जी मैंने 1/2 टेबल स्पून एलोवेरा जेल ले ली है। इसको हमने बाउल के अंदर डालना है, ये जी खाली है। इसको हमने इतना मिक्स करना है कि इसकी क्रीम बन जाए। आवाज गंदी लग रही है ना, आराम आराम से करती हूँ। इसको हमने मिक्स 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 इतना मिक्स करना है कि इसकी ना कंसिस्टेंसी, वो जो व्हाइट पार्ट में नहीं कन्वर्ट हो जाती, वो हो जाए। मिक्स 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 मिक्स, इसकी तो फौरन ही होगी, फौरन हो जाती है। ये देखें, फौरन हल्की सी क्रीमी फॉर्म में बनना शुरू हो गया। आहिस्ता, तंग डिस्टर्ब हो रहे हैं वो। हाँ जी, सबसे पहले इंग्रीडियंट हमें चाहिए एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल हमने फ्रेश नहीं लेनी, हम लोगों ने लेनी है अनफ्रेश। ठीक है जी, एलोवेरा जेल होगी, रेड फूड कलर हो गया। ठीक है जी, ये आप लोग कहीं से मिल जाएगा, ये लिक्विड फूड कलर है। अगर आप लोग के पास पाउडर है तो मैं प्रेफर करूंगी लिक्विड ले लो। अगर लिक्विड कहीं से भी नहीं मिलता तो पाउडर को आप लोग लिक्विड में कन्वर्ट कर लो। ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद हमें चाहिए रोज वाटर की 4 टेबल स्पून। 1/2 टेबल स्पून हमें कलर चाहिए, 4 टेबल स्पून हमें रोज वाटर चाहिए, 1/2 टेबल स्पून हमें एलोवेरा जेल चाहिए, 4 कतरे हमें चाहिए किसी भी ऑयल के जो आप लोग को ऑयल पसंद है। ठीक है जी, ऑलिव ऑयल आप लोग ऐड कर लो या कोई भी 24K गोल्ड सीरम ऐड कर लो। अब जी चलते हैं टेंट बनाते हैं। ये अब हम लोगों ने मिक्स, अब इसके अंदर डालेंगे ये टेबल स्पून, 4 टेबल स्पून रोज वाटर की क्वांटिटी आपने इतनी रखनी है, बेशक ज्यादा बना के रख लो। मैं कहूंगी इतना बना लो आप लोग, पहले देख लो किस तरह लगता है, फिर आप लोग नया बना लेना। ठीक है, अब 4 टेबल स्पून मैं इसके अंदर ऐड करूंगी रोज वाटर। रोज वाटर किधर गया ये? ठीक है जी, 4 टेबल स्पून रोज वाटर ऐड करते हैं फास्ट फॉरवर्ड में। इसको मिक्स करके हमने क्रीमी फॉर्म में कर लिया, अब रोज वाटर ऐड करते हैं। हाँ जी, अब हमने इसके अंदर 4 टेबलस्पून रोज वाटर ऐड कर दिया है एलोवेरा जेल के अंदर। अब हमने इसको मिक्स करना है, तकरीबन 30 सेकंड लगेंगे, मेरा कलर मिक्स हो जाएगा अच्छी तरह। ये मिक्स 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 मिक्स, ये देखें जी अब इसके अंदर कोई कलर नहीं है, ये ना कहेंगे डंडी मार रही है। ये देखें। ठीक है जी, इसको अब हमने सिर्फ रोज वाटर डाला है और एलोवेरा जेल डाली है, ये अच्छी तरह इसका मिक्स हो गया। ठीक है, अब बारी आती है इसके अंदर ऑयल ऐड करने। कोई भी आप लोग ऑयल यूज कर सकते हैं, इधर मैं 24K गोल्ड सीरम यूज कर रही हूँ, वो है वो यूज कर लो, ऑलिव ऑयल है वो यूज कर लो। ये देखिए, गिन के जी 4 कतरे, 1, 2, 3, 4। एक्स्ट्रा ड्राई स्किन है तो वो 6 कतरे ऐड कर लें, जिनकी नॉर्मल स्किन है मेरी तरह वो 4 कतरे उनके लिए बहुत है। ठीक है, अब आता है सबसे मेन इंग्रेडिएंट। सबसे मेन इंग्रेडिएंट डालने के वक्त ना, आप लोग अपने हाथों को कवर कर लीजिएगा, हाथों पर कलर ना लगे। ठीक है जी, अब जी हम सबसे मेन इंग्रेडिएंट लेते हैं। हाँ जी, अब जो हमारी मेन चीज है वो रेड फूड कलर है। रेड फूड कलर इसलिए यूज किया कि जब रेड फूड कलर एलोवेरा और ऑयल और रोज और सब मिक्स होगा ना, बड़ा प्यारा सा पिंक कलर देगा। ठीक है, लाइट होके अब जी हम इसके अंदर डाले, नीचे होके डाल रही हूँ, जरा गंदा ना हो, मैं आप लोग को दिखाती हूँ फिर। थोड़ा सा और, चलो जी इसको मैं रखती हूँ यहाँ पे, ये नजर आ रहा है, अब आया ना। 1/2 टेबल स्पून ये हमने इसके अंदर ऐड कर दिया, मिक्स करना है अच्छी तरह इसको। सब चीजों को मिक्स करने के बाद ना, आप लोगों ने इसको तकरीबन आधा घंटा सुला देना है। आधा घंटा सुलाने के बाद इसको फिर आप लोगों ने यूज करना है, ताकि चीजें अच्छी तरह मिक्स हो जाए। जब इसको यूज करना है, हल्का सा शेक करना है बॉटल को और फिर यूज करना है। ये जी हमारा टेंट रेडी हो गया। अब मैं आप लोग को मुंह पे लगा के दिखाती हूँ, एक दिखाती हूँ। ठीक है, अब हल्का सा हम लेंगे फिंगर पे, जितना आप लोगों ने ब्लेंड करना है उतना ब्लेंड करते हैं।
जो आप लोग पूछते हैं मुझसे अक्सर कि इंस्टाग्राम पे आप लोगों ने जब पोस्ट लगा देते पिंक कर रहा होता है, आप लोगों का पिंक होता है चेहरा और कौन सा टिंट यूज करती है, कितनी नेचुरल लुक आ रही है। यहाँ मैंने ब्लश ऑन लगाया था लेकिन वो उतर गया, और जो ये टिंट है ना आप लोग का 5 घंटे कहीं भी नहीं जाएगा, जिंदगी आसान। अच्छा जी, फिर हम लोगों ने थोड़ा सा टिंट लेना है। अब 5 महीने के लिए आप लोग का ये टिंट एनफ है, किसी टिंट की वीडियो को मुंह लगाने की जरूरत नहीं है आप लोग को, ठीक है जी। ये देखिए अप्लाई कर दिया, ये आप लोग का दाग भी नहीं छोड़ेगा, निशान भी नहीं छोड़ेगा। हम लोगों ने जो इसके अंदर ऑयल ऐड किया ना, ये देखो इसको थोड़ा सा हम ब्लेंड करेंगे नाक पे भी ताकि नेचुरल लुक आए। मैं बिल्कुल एडिट नहीं करूंगी, बिल्कुल फास्ट फॉरवर्ड नहीं करूंगी, आप लोग के सामने मैंने सारा टिंट ब्लेंड किया, ठीक है। ये देखो जितना लाइट करना है उतना लाइट कर दो, इसके ऊपर हल्का सा ब्यूटी ब्लेंडर आ मार दो, लेकिन मुझे थोड़ा सा पिंकी पिंकी सी लुक अच्छी लगती है। हल्का सा लेके यहाँ पे नाक पे, अब मैं जो ये वाला टेंट है वो इसके अंदर ऐड कर दूंगी। मेरी दूसरी बॉटल हो गया, मैं परसों ही अपना नया ये टेंट बना के हटी थी, मेरा खत्म हो गया था। इसको अब मैं नीचे रखती हूँ और आप लोग को पास से दिखाती हूँ। कोई निशान नहीं पड़ा, कोई स्पॉट नहीं पड़ा, और इतना नेचुरल, और इस तरह लग रहा है कोई बहुत महंगा टिंट इस्तेमाल किया। हाँ जी जनाब, अब आप लोगों ने टिंट की वीडियो देख ली है, मैंने इतने तरीके से टिंट बना के देखा है, या तो वो खराब हो जाता है या मुझे वो सेटिस्फेक्शन लेवल नहीं मिलता। ये मैं 3 महीने से यूज कर रही हूँ और मैं कहती हूँ कमाल, आप लोग यूज करोगे वाकई आप लोग को टिंट अच्छा लगेगा, लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी टिंट, ठीक है जी। कलर जबरदस्त, ग्लॉस जबरदस्त, ब्लेंडिंग जबरदस्त। बस टिंट लगाने से पहले आप लोगों ने नीचे प्राइमर लगा लेना है तो ज्यादा बेहतर है, ऑयल से प्राइमर लगाओ ऊपर टिंट लगाओ, मैं कहती हूँ कमाल। ये देखे ग्लो की ग्लो और टिंट का टिंट। अब आप लोग का ये टिंट 7 से 8 घंटे कहीं नहीं जाएगा, लॉन्ग लास्टिंग है। उसके बाद जो हाथों पे लग जाता है ना, ये जिस तरह हाथों पे, आप लोग ब्रांडेड टिंट भी यूज कर लो ना, अप्लाई करोगे तो आप लोग के फिंगर पे लगेगा ही लगेगा कलर। अब आप लोग इसको साबुन से धोलोगे तो आप लोग कलर उतर जाएगा, लेकिन मैं साबुन से नहीं धोती, मुझे ये भी उंगलियां भी पिंक रखनी अच्छी लगती है, ठीक है जी। आऊंगी जी अब मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हुई है तो कमेंट लाजमी कीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। हाँ मैं ले लूँ, मैं ले लूँ, मैं ले लूँ, नहीं थोड़ा सा दे दो ना मुझे भी, हम शेयर कर लेते हैं। नहीं, नहीं? अच्छा चलो नहीं लेते। हाँ जी क्या बात है, मैं जा रही हूँ। हाँ जी क्या क्या बात है, पसंद आए? वाओ, चलो अब आप खेलो, मम्मा किचन में जा रही है, ठीक है मम्मा। हाँ जी हाँ, लिखो इस पे, लिख के दिखाओ ना, इस तरह के लिए वाह वाह से क्या होता है। मम्मा को जब तक लिख के नहीं दिखाओगी तब तक मम्मा को कैसे पता चलेगा। वेरी गुड वेरी गुड, 2 3 2 3 हाँ 2 3 लिखो। बश नहीं, अभी बश नहीं करना, चलो अब मम्मा किचन में थोड़ा काम करने जा रही है। नो 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 मम्मी नहीं, बाय 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 बाय। मानो मानो नानो का है? नहीं जी कोई लिफ्ट नहीं। आवाज आई मानो की, वाओ मान वाओ है, अच्छा लगा वाओ। टू थ्री हाँ 2 3 लिखो।
मैम सारे नाना निकालो बेटे, अभी लिखो जो निकालने आपने। अच्छा अच्छा लिख लो लिख लो लिख लो। टू थ्री शेक शेक, वेरी गुड। लिखो 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 जल्दी।